अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मलाई मसाला बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बॉयल्ड एग 5, जिसको कि मैंने 20 से कट कर लिया है। इसके साथ ही हम 3 प्याज लेंगे और 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे, जिसका कि एक पेस्ट बना लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दूध और हरा धनिया लेंगे। इसके साथ ही कुछ पाउडर मसाले लेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले 4 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और उसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। जब तक कि अदरक लहसुन और प्याज की रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक इसे हमें भूनना है। तो ये देखिए, ये भून चुके हैं। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे, इसकी भी हम भुनाई करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन के तैयार होती है। अच्छे से इसे हमें भून लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम दूध ऐड नहीं करेंगे, वरना दूध फट जाएगा। तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ही आपको ग्रेवी पसंद है वैसा आप इसमें दूध ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। सभी अंडों को इसमें केयरफुली ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 तक अगेन हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। केयरफुली हमें इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे हरे धनिया के साथ। तो है ना, बिल्कुल आसान इजी रेसिपी। ये बिल्कुल रेडी है डिश आउट के लिए। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी एग मसाला मलाई बन के रेडी है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। इसे आप रोटी, नान, पराठे के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि गॉसविन किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।